साहस सरोकार। देश में आज मिलेगी तीसरी वंदे भारत ट्रेन, स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन में सुरक्षा सुविधाओं पर खास जोर। देश के अगले सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के घुटनों में दर्द की शिकायत, तो बोले लोगों से मिलकर दूर हो जाती है तकलीफ। मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, भारत अमीर देश लेकिन गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही आबादी। पीएफआई पर पाबंदी के बाद आज जुमे की पहली नमाज, यूपी महाराष्ट्र कर्नाटक तक कई राज्यों में अलर्ट। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। अलीगढ़ के मेरिस रोड लेमन ट्री होटल में दायित्व संध्या का दूसरा वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन 8 अक्टूबर को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। बता दें कि वार्षिक उत्सव में समाज सेवी और संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। संस्था की तरफ से 2 साल से सामाजिक विकास के कार्य, महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, बाल विकास, जन जागरूकता, अनदेखी प्रतिभा विकास, सेवा आदि अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, प्रथम दायित्व फाउंडेशन 8 अक्टूबर को लेमन ट्री में अपना दूसरा वार्षिक उत्सव मनाने जा रहा है। उसी के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें कि हम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को, जैसे कि खेलकूद, कला और शिक्षा, इस तरीके के क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा, जैसा कि किसी भी सामाजिक संस्था को चलाने के लिए एक समाज का बड़ा योगदान रहता है, तो ऐसे ही हमारे समाज के जो लोग हमारी संस्था को चलाने में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को भी हम सम्मानित करेंगे, ताकि हम और आगे लोगों को संदेश दे सकें कि समाज में इस तरीके के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा हमारे कुछ फेलो NGOs जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हमने उन्हें भी आमंत्रित किया है, हम उन्हें भी सम्मानित करेंगे इस कार्यक्रम में। देखिए, जैसा कि विदित है कि दायित्व संस्था जो विगत 2 सालों से अलीगढ़ शहर में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती जा रही है, चाहे वो महिलाओं से जुड़े हों, बच्चे जुड़े हों, जैसे कि भी बताया गया कि हम लोगों ने TB के 21 मरीज गोद लिए थे, जो अब बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। उसके बाद 21 मरीजों की जिम्मेदारी दायित्व संस्था ने दोबारा से ली है, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमारा अलीगढ़ ही नहीं, पूरा भारत TB मुक्त हो। इसलिए हम लोग जब कार्यक्रम कर रहे हैं 8 अक्टूबर को होटल लेमन ट्री में, तो उसमें हम लोग शहर की ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो समाज के लिए कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, जिससे समाज बेहतर हो रहा है, लोगों की मदद हो रही है, उन संस्थाओं को भी हम सम्मानित करेंगे। हरदोई में तहसील सवायजपुर के मानीमऊ क्षेत्र में एक लेखपाल का रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में लेखपाल किसी व्यक्ति से पैसा लेकर उसमें फटा नोट बाहर निकाल रहा था। सवायजपुर SDM ने बताया कि वीडियो के आधार पर जाँच करते हुए लेखपाल पर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्षराज हमसे जुड़ेंगे। हर्षराज, रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है लेखपाल का, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? मयूरी, बताना चाहूंगा, ये तहसील सवाजपुर मानीमऊ क्षेत्र का मामला है। इसमें लेखपाल जो है एक व्यक्ति से पैसा ले रहा है। लेखपाल उसमें वीडियो में सुना जा सकता है कह रहे हैं, कटे पटे नोट से मैं पेट्रोल भरवा लूंगा। जब मेरी बात जिनसे SDM राकेश सिंह से हुई, तो बता रहे हैं इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे हरदोई में जो भी वीडियो रिश्वत के वायरल होते हैं, उसमें देखा प्रायः यही देखा जाता है कि अधिकारी कह तो देते हैं जांच करा के कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी, तमाम जानकारियों के लिए।
अलीगढ़ में रसलगंज चौराहे पर महाराजा अग्रसेन पार्क में अग्र समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर नगर निगम का पुतला फूंका। जानकारी के मुताबिक महाराजा अग्रसेन जयंती के स्वागत द्वार तोड़ने पर अग्र समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं प्रदर्शन के दौरान अग्र समाज के लोगों ने अपर नगर आयुक्त के साथ हाथापाई भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही सहायक नगर आयुक्त ठाकुर प्रसाद सिंह ने महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति और सभी अग्र समाज के लोगों के सामने माफी मांगी और कल गेट दोबारा लगवाने का आश्वासन दिया। तब अग्र समाज के लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। जो प्रदर्शन आज किया है वही प्रदर्शन है 2 अक्टूबर को भी करना होगा। उनको परसों रात जब तक जयंती में हमारी बाहुबल नहीं जमेगा, संख्या बल नहीं जमेगा, तब तक कोई हमें नहीं पहचानेगा। ये दो गई थी 2 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती में हमारे महापुरुष युवा संगठन की तरफ से जो है सभी से निवेदन के सामने हूं। और जो होर्डिंग है वो कल तक जो है उसको वापस लगा दिया। अग्रवाल समाज के द्वारा अपने गेट तोड़ने के संबंध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था। बहुत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चला और इनकी कुछ मांगे थी, उस प्रशासन द्वारा उन मांगों पर विचार किया गया, मांग लिया गया और धरना सक्सेस समाप्त हुआ। इन्होंने एक तहरीर दी है, अब वो तहरीर में क्या लिखा है मैं नहीं बता सकता, उसके बाद पढ़ के जो भी उसके तहरीर में मैंने तहरीर नहीं पढ़ी है, तहरीर इन्होंने दी है, जो तहरीर होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संबल में दलित छात्र की पिटाई की 18 दिन बाद हुई मौत को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में काफी संख्या में कार्यकर्ता उप जिलाधिकारी के कार्यालय पर एकत्रित हुए और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। वहीं इस मामले पर संज्ञान लेते हुए SDM ने कहा कि देश में एक ऐसा कानून लाया जाए, अगर किसी भी दलित के साथ कोई घटना करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क की जाए। चले चाहे वो केंद्र में बैठी हो या राज्य में बैठी हो, इन सरकारों को ये रवैया हो चुका है कि जो दलित समाज है उसके खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं करवाते रहते हैं, क्योंकि जब ये कोई घटना घटती है उस पर कार्रवाई नहीं करते तो उन लोगों को और बल मिलता है, वो और आगे और घटना को ज़्यादातर बढ़ाते रहते हैं। इसी उसमें आज कल रात को औरैया में एक निखिल कुमार नाम का 10वीं का छात्र था, जिसको उसके ही अध्यापक अश्विनी कुमार ने पीटा था और उसकी इतना पीटा गया था कि 18 दिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो। मैनपुरी में शहरी क्षेत्र के सुदित ग्लोबल एकेडमी में भव्य श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 1000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जानकारी के मुताबिक प्रेम मूर्ति पूज्य श्री प्रेम भूषण महाराज जी की तरफ से श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा। इस मामले पर डॉक्टर राम मोहन ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए हम राम जी के, राम जी हमारे के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल 30 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के प्रांगण में राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसको प्रेम मूर्ति श्री प्रेम भूषण जी महाराज इसको राम कथा का सरस गायन करेंगे। आप सब ने प्रेम मूर्ति श्री प्रेम भूषण जी महाराज को सुना होगा, जो संबल में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट चंदौसी द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रेन में सफर करने के दौरान सुरक्षा के उपाय अपनाने के लिए RPF प्रभारी निरीक्षक ने जवानों के साथ स्टेशन परिसर में आने जाने वाले यात्रियों और ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को जहर खुरानी और सावधान रहने को कहा और बताया कि ट्रेन में सफर करने के दौरान चैन पुलिंग ना करें और ना ही कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करें। अमेठी में सड़क दुर्घटना मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर घायल लोगों को देखने और हालचाल जानने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अस्पताल पहुंचे और वहां पर मौजूद डॉक्टरों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने के लिए निर्देश दिए। संबल में नखासा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लखौरी जलालपुर में खेत की जुताई करते समय
रोटावेटर चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना परिजनों की तरफ से थाने में दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास काम कर रहे लोगों से पूछताछ करते हुए शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।